शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका नाम क्या? कार्तिक। कहाँ से आए हो? ओडाई-कारापट्टी। ओडाई-कारापट्टी क्या? हाँ भाई। तुम्हारा गांव और तेरा नाम का कोई संबंध है? मैडम, ये कार्तिक है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऊपर वाला रूम इसे भाड़े पे दे दीजिए। बाबा, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? हाँ, हो गई है जी। पूछ रहे हैं, तुम क्यों जवाब दे रहे हो? हो गई है ना? हाँ, हो गई। कितने बजे हैं तुम्हारे? अभी तक सुहागत नहीं हुई है जी। ऐसा क्यों? रहने का ठिकाना नहीं है ना, इसलिए पत्नी को गाँव में ही रखा है। हाँ जी। कितना बड़ा पाप। पाप नहीं, पुण्य कहिए। आप इसे रहने के लिए रूम तो दीजिए मैडम, ये शुभ काम आपके ही हाथों से होगा। लेकिन इसकी शादी हुई है, इसका सबूत क्या है इसके पास? रसोई घर में सब्जी जल रही है, जाकर देखिए। सबूत क्या है? लड़की होती तो मंगलसूत्र दिखाती, पर ये तो लड़का है, क्या दिखाएगा बेचारा। सबूत के लिए फोटो तो होनी चाहिए ना। फोटो वगैरह कुछ है क्या? देखता हूँ। ये लीजिए, ये। ठीक। हाँ, सुपर रूम है। सर, लड़के को क्या ट्रेनिंग देना है, हीरो या विलन बनाना है? सर, इसको तो हीरो बनना है। हीरो बनना है तो 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा, समझो बन गया। सर, ये ज्यादा है। 50,000 दे सकता हूँ। 50,000 में तो ये सिर्फ विलन ही बन पाएगा। अरे सर जी, ये तो पहले से ही विलन है। तो फिर विलन ही बना दीजिए ना। विलन बनने के बाद पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा सर, हीरो बनने के बाद पार्टी शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट सीएम तो बन ही सकते हैं। ओ हो, आपने तो बहुत बड़ी प्लानिंग करनी अपने बेटे को लेकर के। ओके, हीरो बना देते हैं। मैं कितना पागल हूँ मालूम नहीं। क्या बोल रहा था? फीलिंग लाना, फीलिंग। चल, वो विक्रम है ना, विक्रम। हाँ। अपरिचित फिल्म देखे है ना? अच्छा। उसमें जो अभी का करेक्टर है ना। हाँ। उसको ट्रेनिंग कहाँ मिला? कहाँ? इसी रूम में। और उसी फिल्म में। हाँ। रिमोकोट है ना, रिमोकोट। हाँ। वो कहाँ ट्रेन हुआ? हाँ।
हटना हटना इस रूम में से। अजीत चरित्र है ना, वो तो हर फिल्मों में इस तरह से चलक 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 करके चलता था। वो कहाँ ट्रेंड हुआ आपको पता है? वो कहाँ? ये ऊपर वाले रूम में से। उसे छोड़िए, अब बड़ी बात बताता हूँ। वो अपना सुपरस्टार है ना, सुपरस्टार रजनीकांत, वो चंद्रमुखी फिल्म देखे है ना, उसमें जो लक 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 करता है ना, उसको ट्रेनिंग कहाँ से दी? ऊपर से नहीं, नीचे से। सर इसी नीचे से ना सुपरस्टार, नॉर्थ स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार, सारे स्टार पैदा हुए यहीं से। हाँ, इसीलिए तो सर सारे स्टार जो है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, हमारे इस इंस्टीट्यूट को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। ए इधर हंसना बंद कर और चल चुपचाप बाहर निकल। जब बक तू चल ले निकल, मत कर, चुप निकल, मैं कर लूंगा सब कुछ, ठीक है? सर क्या हुआ बेबी? सर वो कार्तिक आया है। हाँ हाँ, उसने एप्लीकेशन दिया था, 1,00,000 रुपया भर दिया क्या उसने? भर दिया सर। भर दिया, चलिए अच्छा हो गया, 2 सीट में से 1 सीट चला गया। अब आपके बेटे की किस्मत तो देख लीजिए। नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन तू। ये ले लो, आपसे ज्यादा होशियार तो आपका बेटा है, तू बैठ बेटा। अब तू क्यों खड़ी है यहाँ? सर वो कार्तिक से क्या बोलना है? अरे उसे ट्रेनर के पास भेज दो। कौन हो? मैं हूँ सर कार्तिक, कार्तिक प्रसाद। मैं सर कार्तिक हूँ, मैं सर कार्तिक हूँ। यही करोगे? तुम एक ऑफिसर हो, स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, और मैं अफगानिस्तान का टेररिस्ट हूँ। मुझे इंट्रोगेट करके सच्चाई उगलवाना है तुम्हें। बाड़ कर रख दूंगा सर। बाड़ कर रख देने से कुछ नहीं होगा, परफॉर्मेंस यहाँ से निकलना चाहिए। कहाँ से? उधर से। यहाँ से धीरे 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 बाहर निकलना चाहिए। उधर से निकले तो उल्टियाँ हो जाएंगी सर। अरे चुप, जितने नीचे से परफॉर्मेंस निकलेगा उतना अच्छा होगा सर। और भी नीचे से निकालने पर होशियारी मत कर, मुझे मत सिखा, जितना कहता हूँ उतना कर। वो कहने वाला मैं ही हूँ। आ गया रगड़ा। अभी होने वाले सीन का यही डायरेक्टर है। या यू से ये स्टूडेंट है। आई एम ट्रेनर, यू आर डायरेक्टर। या जस्ट यू से एक्शन एंड कट, दैट्स ऑल। ओके, देखो एक्टिंग करते समय टेंशन मत लेना, डायरेक्टर के कट कहने तक एक्टिंग करते रहना। ओके सर। मेरे कहने के बाद रुक जाना। ठीक है सर। ओके ओके ओके, एक्शन। राठौड़, विक्रम सिंह राठौड़। ए बोल, तेरा कौन सा दल है? तुलसीदास। विक्रम सिंह राठौड़ से जोक करेगा तू? बोल, तेरा कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है? मालूम नहीं। मालूम नहीं है? वो कहाँ है बे? मालूम नहीं है कहाँ ना बे? मालूम नहीं? नहीं मालूम। मालूम नहीं? नहीं मालूम। मालूम नहीं? नहीं मालूम। मैडम मैडम, यहाँ से एक दाढ़ी वाला गुजरा, देखा क्या? मालूम नहीं। मालूम नहीं? कहाँ चला गया? तो इस तरह से नहीं बोलने वाला लगता है। अरे कहाँ मर गया? अरे पत्थर, अरे पत्थर मत मारना। सर बहुत अच्छे ना? बहुत अच्छा किया। ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, बहुत जरूरी है सर, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पर आया सर। सर लेकिन सर एक बार मिल लीजिए सर। सर सर जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी। भगाओ भगाओ सबको, शक्ल देखी है जो हीरो बनने आए हो? अंदर कहाँ जा रहा है? रुक, अंदर जाना है जी। चल बाहर निकल, चल चल बाहर, बड़ा चलो चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। मम्मी मम्मी कटे छोटो की। बेटा तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया। ए बच्चे को चॉकलेट दे दो। सर आप भी बहुत अच्छा किए। 10 10 10 30 साल से यहाँ पे हूँ, रोज आना उनके निकालने पर चले जाना, रोज आना उनके निकालने पर चले जाना। तुम्हारे आते ही तुम्हें तिलक लगाकर घंटी बजाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे क्या? मेरी पर्सनालिटी और फिगर होने के बाद भी यहाँ बैठा कर रखा है। ए क्या ढूंढ रहा है तू? देख रहा था कि फिगर का है। होशियारी बहुत है, चल जरा खेत है तेरे पास, सीधे गाँव चला जा। करते हुए खेती कर, चुप जा। सर आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? हम दोनों अभी अभी तो मिले, आप कौन मैं कौन एक दूसरे को जानते नहीं है। मैं जब तक हीरो नहीं बन जाता तब तक गांव नहीं जाऊंगा, ये चैलेंज है। चैलेंज?
इंटरवल तक चैलेंज ठीक है, क्लाइमेक्स सब टाइटल फिक्स हो जाएगा। 10 10 10 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। ये सीन में मैं एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ सर। क्यों नहीं करोगी? ये क्या है सर? आप नहीं जानती हैं कटहल है? आपने क्या बोला था सर? पेट पे फल घुमाएंगे कहा था। तो इतना बड़ा कटहल से करेंगे? तो पाइनएप्पल लाऊं क्या? दोनों में कांटा है सर, इसमें छोटा कांटा है और उसमें बड़ा कांटा है। ओ, कांटा से दर्द होगा ना? इसे छुआ तो मेरे पैर पूरे खराब हो जाएंगे सर, आपको समझता नहीं क्या? तो एक काम करते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करके घुमाते हैं। थैंक्स सर, आई एम रेडी सर। सुनो भाई, वो कटहल फल लेकर तैयार रखो, मैं घर जाकर खाना खाकर आता हूँ। चलो चलो चलते हैं। सर लाइटिंग करना है? अरे वो सब बाद में देखेंगे, चल रहे यार। अच्छा तुम तैयार रहना, आने के बाद कटहल घुमाएंगे। तू कह रहे अरे तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मेरे घर तू भी खाना खाएगा, चल जा। और सुन, वो लेडी आर्टिस्ट है ना, उस तरफ मत जाना, चल जा जा जाना। सर सर नमस्ते। नमस्ते, चांस चाहिए तो मेरे एसोसिएट से मिलो, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। चांस मांगने नहीं आया हूँ, ये मेरा दोस्त आपसे चांस मांगने के लिए आया था कि नहीं ये पूछने आया हूँ। ये किसको? ये कमीना, दोबारा मिला तो जान से मार दूंगा, जाओ। ए चल जल्दी। अरे ये इसको गाड़ी क्यों दे रहा? पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। चल निकल यहाँ से, निकल, वापस मत आना। आर्टिस्ट पेमेंट के लिए घर बेच दिया था और शूटिंग के खर्चे के लिए खेत बेच दिया, प्रिंट और पब्लिसिटी के लिए सारे जेवर बिक गए तो हमारे। सब कुछ बेच दिया क्या? लेकिन वे एक फिल्म नहीं बेच पाया। तो फिर आप दूसरी फिल्म क्यों शुरू कर रहे हैं? तभी तो तुमसे पैसे मांग रहा हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूशन खुद करेंगे। वो शेर की पूंछ पकड़ने वाली कहानी? हाँ वही कहानी, अगर छोड़ दिया तो भी खत्म, नहीं छोड़ा तो भी खत्म। कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे आ गए? ये लड़का आपके पास चांस मांगने आया था। अरे ये कौन है और इसको तो काफी लोग ढूंढ रहे हैं। सब आए थे क्या? कौन आया था? अरे सुबह एक लड़की ढूंढती आई थी इसको। लड़की? हाँ। कब आई थी? बस 10 बजे आई थी, यही 10 मिनट पहले। ए, वो फोटो तो क्या यही है वो? हाँ हाँ यही तो है वो लड़की जो उसको ढूंढने आई थी। हाय अंकल, कहाँ तो रख कर दे दूंगा, चेहरा अजीब बन जाएगा। शादी हुए लोगों को अंकल नहीं तो क्या हस्बैंड कहते हैं? शादी? लेकिन कुछ भी कहो तुम ना, सिंपली सुपर हो। सही वक्त पे आए हो सुहागरा, है सुहागरा? तुम ठहरो भाई, पहले ही बहुत देर हो गई है, क्यों अंदर तो आओ। आओ कह रहा हूँ ना, आओ अंदर, आओ पहले अंदर, चलो फिर बताऊँ। अरे बताओ तो सही, ये क्या है? हमारी सुहागरात है। चीची, सुहागरात तुम्हारे साथ? वही तो, इसे पहली रात कहते हैं, अंदर जाके देख सब पता हो जाएगा। चीची, तुम्हारे बीवी के साथ मेरी सुहागरात होगी? पहले बेकार की डाउट बंद कर, अंदर जा करके देख सुहागरात किसके साथ है, पता चल जाएगा। सर 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 प्लीज सर, जा जा जा, चलो चलते। क्या करेक्ट 8:20 पर मुहूर्त है, थोड़ा ध्यान से। हाँ तू थोड़ा भी नहीं डरना, मुझे याद करके मेरे जैसे ही सुहागरात मनाना, चल जा। चलिए मुझे दिखाइए अपना जोश, अभी आपका कसूर। अरे बाप रे, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? अरे भाई तू अंदर ही रहो। अरे सर, हे एक्सक्यूज मी मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, ब्रोकर ने मेरी शादी हुई है कहकर मुझे घर दिलाया है। ये ओनर जो है मुझे बताए बगैर आपके साथ सुहागरात का अरेंजमेंट करके रखा है। सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन आप कौन है जी? तुम यहाँ पर कैसे? और अरे यहाँ के ओनर ने हमारी फर्स्ट नाइट की अरेंजमेंट भी कर दी है, सुहागरात मनाएंगे और नहीं तो क्या? अब क्या करेंगे हम लोग? देखो मैं जो कह रही हूँ ना, ध्यान से सुनो, इस फ्लैट के ओनर की नजरों में हम दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए हमें साथ मिलकर रहना होगा। इसमें इसकी कुछ चाल नजर आ रही है, मैं नहीं मानूंगा। तो फिर मैं सारी सच्चाई ओनर को बता ही देती हूँ। आंटी पागल कहीं की, क्यों इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर रही हो? तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं मना कर सकता हूँ क्या? रहो ना। अरे आ रहा हूँ, बच्चे की जान लोगे क्या? क्या हुआ सर? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हमारे घर में होने वाली ये पहली सुहागरात है ना, इस कॉलोनी वालों को हमेशा याद रखने के लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट किया हूँ। तू जा अपना काम कर, जाना। ये क्या? अच्छा सर? फोटो लेना। हेलो ओए तुझे ही, ये सब क्या कर रहा है? श्री राम केबल टीवी वाला हूँ सर, आपके सुहागरात के वीडियो राइट्स इन्होंने हमको बेच दिया सर। राइट्स बेच दिया? जी हाँ सर, अब आपकी सुहागरात का लाइव टेलीकास्ट ये पूरी कॉलोनी देखेगी सर। ब्लॉग बहुत अच्छा बना है सर, लेकिन लाइट मत बंद कीजिएगा सर। अबे तेरी जॉब का पैदा मारो, हैदराबाद में गवर्नमेंट साइट्स के साथ सुहागरात की राइट्स भी खरीद रहा है तू? बे हट साले, तेरी तो बाप रे, सुहागरात की राइट्स पे चल, सुहागरात की राइट्स शुरू हो गया। अबे रुक, कहां भागता है?
हाँ चित्रा, एक्टर बनना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरी इच्छा, मेरे सपनों के लिए जितना हो सके मैं तकलीफ उठा सकता हूँ, कितने भी कष्ट सहन कर सकता हूँ, इसलिए मेरे जीवन के लक्ष्य के बीच किसी भी परिस्थिति में तुम ना हो तो भी ठीक रहेगा, मुझे समझने की कोशिश करो। ये क्या हो रहा है? कल सुबह शूटिंग रखकर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करते हो सर, सर। अब डायरेक्टर को क्या जवाब दूंगा मैं? एक तो हीरो नया आया है, प्रोड्यूसर मुश्किल से तैयार हुआ, आर्टिस्ट बनने आया। सर 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 क्या है भाई, क्या चाहिए? सर एक हीरो का चांस दे दीजिए। अभी नहीं जाओ तुम, एक तो पहले से परेशान है। सर एक मिनट, क्या कहा उसने? सर ये आर्टिस्ट है सर। ए हीरो यहाँ ना। सर देखा ये भी अच्छा है ना? हाँ अच्छा है सर, तो इसे ही कास्ट कर सकते हैं सर। ओके सर, तुम सिलेक्ट हो गए हो यार, यू आर ओके। मुझे ओके कर दिया? अरे तुम्हें फिल्म लाइन के बारे में मालूम नहीं है क्या? एक्टर को सिलेक्ट को डायरेक्टर करता है। अब तुम ओके हो गए, आओ मेरे साथ चलो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जेब में कितना है? जी वो ये लो जी। ठीक है कल सुबह तुम यहाँ आ जाना। कल ही? अरे कल सुबह यहाँ शूटिंग शुरू हो जाएगी सर। चलो ऑल द बेस्ट। ओके सर। सर सर क्या हुआ यार? मेरे जेब से 50 रुपए और निकले सर। ऑटो के किराए के लिए रख लो। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं पैदल चला जाऊंगा। बाय। ये क्या कार्तिक, तू हीरो बन गया? ये सच है क्या? मेरे मन को बहुत खुशी हो रही है। क्या कार्तिक हीरो बन गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करना पड़ेगा, सही में हीरो बन गया है। या ए कार्तिक तू हीरो बन गया ना? मुझे मालूम था तू जरूर हीरो बनेगा। ए मामा ताली बजाओ ना। हाँ नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? डांस मास्टर की डेट मिल गई है सर, कॉस्ट्यूम भी फाइनल है। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। फाइटिंग सीन है सर, गोलकोंडा फोर्ट पे शूट करना है। परमिशन का हो गया? हाँ हो गया। नमस्ते आंटी। ओए तू यहाँ क्यों बैठा है? चल उठ उठ। ए चल उठ चल। सर यहाँ खड़े रहना। ए इसको भी खाना दे, थोड़ा और दो ना। ए चल जा। परवाह नहीं, हीरो बनने तक बर्दाश्त कर लेंगे। ए कौन है तू? यूनियन कार्ड है तेरे पास? कार्ड? वो किस लिए? कार्ड नहीं है तो एक्स्ट्रा का काम नहीं कर सकोगे तुम। अब मैं एक्स्ट्रा नहीं हूँ, मैं तो सिनेमा का हीरो हूँ। अच्छा तुम हीरो हो? ओए देखो तो हीरो है। हीरो हीरो यहाँ बैठ के खाना खा रहा है। यहाँ बैठ कर खाना खाने वाला हीरो। आईने में शक्ल देखी है। आर्टिस्ट कहाँ है? आ गए सर। क्या हुआ सर? वहाँ के सारे आर्टिस्ट मैं हीरो कह रहा हूँ तो मुझ पर हंस रहे हैं, असल में सिनेमा का हीरो मैं ही हूँ ना। किसने कहा तुम्हें कि तुम हीरो हो? सर आप ही ने तो कहा था कि मैं हीरो हूँ। मैंने कब कहा? सर कल शाम को 6 बजे आप ही ने तो कहा था। एक बात बता दूं, एक क्वार्टर पीने के बाद मैं क्या बोलता हूँ मुझे याद नहीं रहता है। अरे बताओ नहीं सर। बताता हूँ सर, ये भाई दिमाग ठिकाने पे है, थोड़ा रंग क्या गोरा मिल गया, हीरो बनने चले। चलो निकलो यहाँ से। क्यों बिना कार्ड के एक्टिंग करने आए हो क्या? असल में तुम्हें स्टूडियो में एंट्री कैसे मिली? चल निकल निकल जाओ यहाँ से। शांति से बात। इन फोटोज को देखिए, हमारा कार्तिक शिवा फिल्म का नागार्जुन लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जरा इसे देखिए, अनाड़ी फिल्म का वेंकटेश जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। बाप रे, जरा इसे देखिए, जेंटलमैन फिल्म का चिरंजीवी जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ सिटी में इसे सिनेमा के लिए भेज दो तो बड़ा हीरो बन जाएगा जी। कीचड़ में दौड़ की शुरुआत होने वाली है, जिसमें काजू गली से कार्तिक और उनके साथी हैं, तो दूसरी तरफ से पेरू गली से ऋतिक और उनके साथी बिल्ला और शेर की तरह दौड़ लगाने के लिए तैयार है। देखते हैं कौन जीतता है। Yeah.
कद्दू की खेती करने वाले गांव वालों, तुम में से ऐसा कोई है जो इसके साथ डांस कर सके? कोई है कि नहीं? है ना? कौन रे? ये है जाना वहाँ पे जा। जा नहीं नहीं मैं नहीं। अरे मैं नहीं जाऊँगा। क्या बात कर रहा है? अरे जा। मुझे नहीं आता यार ये सब। तेरे और मेरे प्यार के बीच में वो हरि ब्रह्मा भी आ जाएगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाए भी ना। छोड़ दो। मैं तो सोऊंगा नहीं। कट 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 कट। क्या हुआ रे? सोऊंगा नहीं? क्या बोल रहा है ये? सॉरी सर, मैं रात भर सोया नहीं ना। कोई बात नहीं है सर, आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम ना प्रिया। कल रात मैंने तुम्हें चिकचाक सिखाया था, आज मैं तुम्हें कबड्डी सिखाऊंगा। अरे मेरा करम। सर 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 सर, क्या हुआ सर? हिरन का कॉस्ट्यूम नहीं आया है सर। परवाह नहीं सर, ये लो। इसका क्या करूं सर? एक ऊपर पहनने को बोलो, दूसरा नीचे पहनने को बोलो। सर आपका बहुत अच्छा टेस्ट है सर। देखो मैं आधे घंटे के लिए सीन के बारे में सोचने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आर्टिस्ट का सिलेक्शन डायरेक्ट होगा? हाँ दीदी, पहली फिल्म है, अपने गांव में शूटिंग है। कौन हीरो है? कोई नया लड़का लगता है। नया हीरो? फिल्म में काम करने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कार्तिक, उससे भी जाकर कोशिश करनी चाहिए ना, इसीलिए कह रही थी। कोई भी साइड रोल हो तो मेरा लड़का नहीं करेगा, वो हीरो है। हीरो का तो सिलेक्शन हो गया ना। सिल्ली को तो क्या हुआ, कार्तिक उसे इम्प्रेस करके रहेगा। ए, पांच अली पांचों की पत्नी क्या है तू, और तूने मुझ पर हंसने की जरूरत कैसे की? राक्षस की प्रवृत्ति जैसा मैं या फिर तेरा पति? व्यापार करने के बहाने हमारे देश में आकर हम ही लोगों को लूटता है। मैं तुझे काट काट कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर पीस पीस करके हमारे देश का मैं तुझसे बदला लेने वाला हूँ, खबरदार। आजा आजा आजा। सर सर सर, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? अरे रस्सी खुलना। बाबू सर, इस सिनेमा में छोटा रोल करोगे क्या? नहीं नहीं सर, हीरो बनना। हीरो? हाँ सर। तुम? ये भाई तू जरा इधर तो आ। आजा आजा। तुझे हीरो बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? हीरो बनाऊंगा। क्या है पिताजी? इसने एक सिनेमा डायरेक्टर को किडनैप किया है। हाँ? वो अच्छा आदमी है इसलिए बच गया, अगर वो पुलिस कंप्लेन करता तो पुलिस वाले इसकी खाल उतार लेते। क्यों रे, ये सब सच है? नहीं दीदी, मैंने उससे पैसे मांगने के लिए उसे किडनैप नहीं किया था, बल्कि अपनी एक्टिंग दिखाकर सिनेमा में काम मांगने के लिए रोल मांगा। सिनेमा का भूत अभी नहीं उतरा है क्या? ये पागलपन नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, एक ना एक दिन मैं हीरो बनकर दिखाऊंगा। तुम्हारे जैसे लोग हीरो बनने वाले हैदराबाद में गली गली में घूम रहे हैं। अपने अरमानों का गला मैं अपने हाथों से नहीं खोल सकता, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। छी, गधा कहीं का, तू कभी नहीं समझेगा। तू भी सुभाष की तरह इस गांव में भीख मांगकर खाता फिरेगा, समझ गया? बेवकूफ नालायक कहीं का। सुनो कार्तिक, दुखी मत होना, तुम एक दिन जरूर स्टार बनोगे। कबड़ी कार्तिक, कबड़ी 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 कबड़ी। कार्तिक कार्तिक कार्तिक। हाँ? इसका तो काम हो गया। कार्तिक 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 कार्तिक, क्या हुआ? तेरे लिए फिल्म इंस्टीट्यूट से लेटर आया यार। दीदी मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में सीट मिल गई है, देखो लेटर। ऐसा क्या? क्या हुआ कार्तिक? इंस्टीट्यूट में ज्वाइंट होने के लिए 50,000 रुपए चाहिए। हाँ, 50,000? पिताजी से चाय के लिए 10 रुपए मांगता हूँ तो वो भी नहीं देते हैं मुझे। तो फिर क्या करोगे? इस जन्म में तो एक्टर नहीं बन सकता। Hey, मैं जो कहता हूँ वो सच होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी के साथ तू हीरो बनेगा। फेस टर्न कर जरा, तू बोलेगा तो सच होगा क्या? हेलो,
मैं हूँ क्या मैडम? इस गांव में कोई होटल है क्या? होटल चाहिए सिनेमा के लिए? अरे नहीं 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 रे, सिनेमा के लिए नहीं, खाने के लिए। खाने के लिए होटल चाहिए ना मैडम? स्टूपिड, इस गांव में स्टे करने के लिए कोई होटल है क्या? जितना पैसा लगेगा दे दूंगी। कितने पैसे लगेगी दोगी? अरे तू कुछ मत बोलना, जो बोलता हूँ। बस देखता जा। आप कौन है मैडम? मेरा नाम चरित्रा है, टीवी चैनल में काम करती हूँ। मैं एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हूँ, इस गांव में कुछ दिन रिसर्च करने आई हूँ। प्लीज वन मिनट मैडम। मेरे भाई सुन, सुन, तुझे हीरो बनाने के लिए एक धन लक्ष्मी आई है। वो अरे बाप रे, देखो लक्ष्मी चलकर हमारे पास आई है, कितना भी खर्चा हो वो देने को तैयार है। गांव में होटल ऐसा करता है? वो गांव में चौधरी साहब का बंगला है ना, मतलब भाई वो कल ही अपनी फैमिली के साथ अमेरिका अपने बेटे से मिलने गए हैं। 3 महीने तक नहीं आएंगे, हीरो हीरोइन का घर बसा देंगे। घर बसाना? घर बसाने का मतलब वहाँ ठहरा के उससे पैसे ले लेंगे। इसे कहते हैं टचिंग वेट, नथिंग एल्स। वो क्या है? अरे उसके सारे पैसे हड़प लेंगे। ओहो, वो चौकीदार मल्लिका क्या करेंगे? हां बैल मुझे मार, ये सब मुझे वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। सुनो, तू उसे लेके पूरे गाँव में घुमा, सिनेमा दिखाने ले जा, कद्दू के खेत ले जा, शाम को जब तू आएगा मैं मैनेज कर लूंगा। हेलो, आ रहा हूँ मैडम, चलना। हाँ मैडम, होटल मिल गया मैडम। ये मेरा फ्रेंड कार्तिक है, नमस्ते। आपको ले जाकर होटल दिखा देगा। चलिए यही है मैडम, ये एकदम 5-स्टार होटल जैसा है। अरे आइए, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, जो चाहिए वो मिलेगा। ये गाना नहीं गाते? अच्छा दूसरा गाना। ओ सासू माँ कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ ना। बस कर। हाँ पारती लीजिए, चलिए। क्या है ये सब? मतलब शास्त्र के हिसाब से आरती लेने के बाद थाली में कुछ पैसे रखने पड़ते हैं। ओह ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ओके। आ जाइए आ जाइए, चलिए। यहाँ 16 जिलों में 5-स्टार होटल बोले तो यही है, पूरा सुपर्ब है। असल में सीजन में रश और वैरायटीज इतनी होती है कि वो माहौल ही अलग होता है। ये तो बंगले जैसा लग रहा है। मतलब ये गांव है ना, तो यहाँ के सारे होटल्स होमली होते हैं। ओह आई सी। आइए बेडरूम देख लीजिए। अरे जल्दी चलना, क्या हुआ भाई? मैडम बेडरूम अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये तो जा रही है। ए, जाके रोकना उसे। मैडम मैडम मैडम, अच्छा कह रही हो और फिर जा भी रही हो। नहीं जाऊंगी तो मैं अकेले इतने बड़े बंगले में रहूंगी क्या? तुम्हारा स्टाफ कहाँ है? स्टाफ मतलब काम करने वाला? काम, हाँ? काम करने वाला, हाँ? ये है ना मैडम, ये कपड़े धोता है, बटलर है, बटलर है, ये यहाँ का वॉचमैन है। तो फिर तुम कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ओके गाइस, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। हाँ। 1 घंटे के बाद अच्छी सी कॉफी बनाकर लाना। ठीक है, आप जाइए। ए प्लीज यार, मुझे हीरो बनना है इसलिए मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। मैं वॉचमैन हूँ, बनना ही पड़ेगा, प्लीज यार। ठीक है, करेंगे ना। थैंक्स यार। अबे खाना पकाने वाला चाहिए। हाँ? अब फंस जाएगी, देखो मेरा आइडिया, मजा आ जाएगा। मैं किसी के लिए खाना नहीं बनाता, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाता हूँ। मामा जी प्लीज, माँ के गुजरने के बाद पिताजी को आप ही खाना बनाकर खिलाते थे। तो मैं क्या करता, खाना बनाने वाला होने के बाद भी मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। वो एक्सपीरियंस आप क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप बस 15 दिन मेरी हेल्प कर दीजिए, हीरो बनने के बाद आपको एक बार खोल कर दे दूंगा। मतलब मैं तुझे शराब बेचने वाला दिखता हूँ क्या? शराब बेचने के लिए नहीं, अंदर बैठकर पीने के लिए। मुझे सपने दिखाकर मत फंसा। ठीक है, रोज 1 क्वार्टर दूंगा। तू झूठ बोल रहा है, ऐसी बात है तो अभी ला सकता था ना। कौन बोला मैं लाया नहीं हूँ? आंजे, आज से मैं तेरा कुक हूँ, कहाँ खाना बनाना है बता। कार्तिक। मैडम कॉफी 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 वाटर।
वाटर वाटर। ये पहले पिएगा या काम करेगा? मैडम कॉफी। मैडम कॉफी कैसी बनी है? केक चढ़ाना? केक चढ़ाना मतलब? कॉफी अच्छी है ना? अच्छी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। वेरी मच नहीं रे, वेरी मच। ठीक है जाओ। ए, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। ए, जल्दी से पत्ता डालना। डाल रहा हूँ ना। ए, तुम लोगों ने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं देखा। मैडम बिल। बिल? एक दिन के लिए यहाँ स्टे करने के लिए सिर्फ 100 रुपए ही? बहुत कम है। ये सिर्फ कॉफी का ही बिल है मैडम। व्हाट? सिर्फ सिंगल कॉफी के लिए 100 रुपए? हाँ मैडम, काम करने वाले ज्यादा लोग है ना, मेंटेनेंस लगता है, ज्यादा खर्चा है मैडम। मेंटेन का? हाँ। ओ मेंटेनेंस। इस बार सिर्फ कॉफी का ही बिल लेकर जाओ। ये 1 रुपया किस लिए मैडम? टिप। टिप? थैंक यू मैडम। देखो तुम इंग्लिश में बात नहीं करने के लिए कितना लोगे ये बताओ। क्यों मैडम, आपको तो इंग्लिश आती है ना? तुम हिंदी सीखोगे तो अच्छा रहेगा। वैसा ही होगा माँ जी। माँ जी? अरे मैडम सॉरी अम्मा, आप इंग्लिश में बात करने को नहीं बोली ना। रामाय राम भक्ताय रुपये नमः। 100 रुपयों को भी नमः करता हूँ। मैडम मैडम क्या है? मैडम 2 दिनों तक किसी भी गांव में कहीं भी कली और फूल नहीं मिलेंगे, पूरे फूल यहाँ उठाकर ले आए हैं। इतने सारे फूल क्यों लाए? आपने तो कहा लाने के लिए। ठीक है, जो जितने फूल लाया है उसका हार वही बनाकर लाएगा। आज भगवान चिकन बना रही है, कोई फायदा नहीं, इस चिकन को खाना है तो 4 घूंट पीना जरूरी है। मेरी प्यारी भगवान, फिर आता हूँ पी के। थैंक यू दीदी। चीचा जी के आने से पहले निकल लो यहाँ से। ओके। बाप रे, तो ये माजरा है। कोई बात नहीं, इस चिकन गुनिया का राज मालूम करके रहूंगा। अरे ये तो भूत बंगले में जा रहा है। तुम होशियार हो तो मैं डेढ़ होशियार हूँ, मेरे साथ होशियारी बताओगे क्या? दरवाजा खोलो। क्यों इतना लेट हो गया? अबे लेट क्या, जीजू को मुझ पर डाउट हो गया, वो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ नहीं है, रास्ते में उन्हें भूत बंगले में लॉक कर दिया है। अब तुम लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये भूत बंगले के बाहर निकलने नहीं चाहिए। ये तो मुझ पे छोड़ दो, घर से ही क्या, बाथरूम से ही बाहर नहीं आने देंगे। चकर डरा रहा हूं उन्हें। चल मजा चखाते हैं। मेन हॉल में बैठे जैसा लग रहा है, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। असल में मैं कहां आ गया, क्यों फंस गया, समय क्या हुआ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। चिकन के लिए इतना तकलीफ। प्रेम करता है उसे भी खत्म करना, ये एक आम बात है। तो फिर इस बार चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ति के लिए चौथा खून किसका करेंगे? हाँ, चंद्रमुखी के बाहर आने का समय हो गया है। चंद्रमुखी नरबली का टाइम हो गया। इस अमावस्या की रात को चंद्रमुखी को नरबली मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं मिलेगा, अब मैं मिल गया हूँ ना, दिल धड़क धड़क के बाहर आ रहा है। मुझे मरकर 5 साल हो गए, मुझे मरे हुए 2 साल हो गए। हे भगवान, आज की एक रात के लिए चंद्रमुखी को दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर दो। Oh, my God.
चंद्रमुखी, इसका क्या करना है? मार देना, मार देना। मुझे नहीं, इसे मार डालो। तेल में डाल दो, डाल दो। बाप रे। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। मैडम। बोल कनकराज। हाँ पता चला, कोयंबटूर के एक एटीएम से पैसे निकाले गए हैं। कोयंबटूर में क्यों गई? वहां कौन है उसके साथ? पता नहीं मैडम। तुम वहां जाओ, उस एरिया में छानबीन करके उसे पकड़ के तुरंत वापस ले आओ। जाओ। ठीक है मैडम। चरित्रा जी, कुछ भी कहिए लेकिन हमारा हीरो जो है सही में सोने जैसा है। वैसे इस सिनेमा की हीरोइन भी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब आपके इतनी खूबसूरत नहीं है। हाँ, आप रुकिए, मैं साइकिल लेकर आता हूँ। ओके। ए, चल रहे। बाबा, उधर देखना, सुपर है। हाँ यार, उस हीरोइन से तो ये हीरोइन बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या लड़की है यार। हाँ यार, अरे एक्शन तो इतनी सुपर थी ना, क्या बताऊं, बहुत मस्त। शायद बच्ची को सिंगल ड्राइविंग की आदत नहीं है। यार चिड़िया, तू हमारे साथ भी आएगी ना? क्या रे, हीरो है क्या? अभी बना नहीं हूँ लेकिन बनना चाहता हूँ। मतलब ये तेरी हीरोइन और तू हीरो, सुपर कॉम्बिनेशन है। पर विलन किधर है? एक काम करते हैं भाई, मैं विलन बन जाता हूँ, तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मैं तुमको किस करता हूँ। अरे हीरो है यार, मारता होगा। देखेंगे ना, देखेंगे एक बार। तू इतनी छोटी सी बात के लिए इमोशनल क्यों हो गया? अरे नहीं यार, चरित्रा कहीं दूर से आकर हमारे साथ रह रही है, उसे सुरक्षित रखना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। उसे कुछ भी हुआ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब बेसिकली मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। रियली? अब देखिए ना, ये मंदिर क्रिस्ट के समय 1991 में गजनी मोहम्मद ने बनवाया था। गजनी मोहम्मद कौन? अरे बापरे, बोलने में गलती होगी, लगता है परेशानी तो नहीं होगी ना। मैडम मैडम, सुनिए सुनिए सुनिए, सॉरी। गजनी मोहम्मद बोले तो आप लोग तेलुगु में श्री कृष्णदेव राय कहते हैं ना, हैदराबाद नवाब, वैसे ही उसी ने तो इस शिवालय को बनाया है। कैरेक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर। आई सी, लगता है तुम्हें हिस्ट्री की बहुत नॉलेज है। यस। क्या कह रहे नास्तिक इंसान? सुनो बेटी, इसका उल्लू के पट्टों के सिवाय और किसी से कोई संबंध नहीं है। क्या रे, कब से देख रहा हूँ तुझे हनुमान जी को शिव जी बता रहा है तू। राम, जब कभी मंदिर दर्शन करने आएगा तभी पता चलेगा ना कि कौन से भगवान कहाँ पे हैं। क्या पुजारी जी, मंदिर में शिव भगवान क्या और राम भगवान क्या? सबका मालिक है, गॉड इज वन, ये सब राम राज्य है कहकर श्री कृष्ण भगवान और श्री शिव भगवान यहाँ पर रहते हैं ना, तो फिर। ए चुप, देखो बेटी, इसकी बातें सुनती रहोगी तो महाभारत लिखने वाले परचूरी ब्रदर्स और रामायण लिखने वाले एमपी हुसैन है कहकर यकीन दिलाएगा। विश्वास क्या दिलाना, जो लिखा है वही तो बोल रहा हूँ। राम जी,
इतना सुनने के बाद तुम मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला रहे हो? देखो बेटी मेरी बात सुनो, ये आरडीएक्स बम से कुछ कम नहीं है। क्यों? लड़की को देखकर मुंह में जो आ रहा है बक रहे हो? विष्णु रूप शिव का ही रूप है, शिव का रूप विष्णु का ही रूप है, ये सब आप नहीं समझ पाओगे। तुम्हें हिंदी के सिवाय इंग्लिश मुहावरे का नॉलेज ही नहीं है। तुम्हें मालूम है तो तुम बताओ ना। विष्णु रूप शिव का ही रूप है, शिव का रूप विष्णु का ही रूप है, बोले तो विष्णु शिव से एक रुपया उधार लिए थे और शिव विष्णु को एक रुपया वापस किए थे, तभी से लाभादेवी प्रसन्न हुई। बेटी विष्णु है शिव जी। पुजारी जी, पुजारी जी। अरे हेलो। hey, इस लड़की को यहाँ देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा। चल जा। तुम हो ना बस है। अरे हेलो। ए, इस लड़की को देखा है कहीं? नहीं सर, नहीं देखा। ए, देखो ना। ए, चरित्रा क्या हुआ? भाई जॉइंट व्हील में बैठते हैं ना। अबे हम यहाँ लड़की ढूंढने आए, एंजॉय करने नहीं। वैसे नहीं भाई, ऊपर से देखेंगे तो लड़की कहीं ना कहीं नीचे दिख जाएगी। क्या हुआ चरित्रा, तुम्हें डर लग रहा है क्या? चलो ना भाई, क्या डर रहे हो तुम भी, चलो। अरे आओ ना भाई। अरे डरो मत ना भाई। चलो तो सही। अरे रुक ना, चलो कुछ नहीं होगा भाई। चरित्रा हम नीचे आ गए हैं। अरे आके खोलो, अभी भी चक्कर आ रही है क्या? चलो ना, चढ़ो ना भाई, मजा आएगा। अरे रुक ना, चढ़ रहा हूँ ना, जल्दी चढ़िए ना भाई। अब रुको, यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ए भाई, हाँ यहाँ लड़की थी, कहाँ गई? देखा नहीं सर। चरित्रा ये तो थी। कौन हो तुम लोग? बिना लाइट जलाए ऐसे क्यों बैठी हो? मेले से मुझे बताए बिना क्यों चली आई? मैं कितना डर गया था पता है? वो लोग कौन है? उनकी गाड़ी खराब हो गई है, रात को रुकने के लिए जगह चाहिए, इसलिए दे दिया हूँ। जिन्हें जानती नहीं उन्हें जगह क्यों दी? मैं उठा के लेके नहीं जाएंगे, सो जाओ। कार्तिक ठीक है, अगर डर लग रहा है तो मैं बाहर सो जाता हूँ, तुम अंदर सो जाना, ठीक है ना? अरे
ऐसा क्या हुआ कि वो बगैर बताए चली गई? वो मैं पूछकर आई थी जो हमसे कहकर जाएगी। अच्छा, अब तक हमारे खर्चा कितना हुआ और पैसा कितना मिला और हमने जो खर्चा किया है उसका बिल कितना हुआ पता? 50,000 हो गए, और 50,000 हुए तो मैं हैदराबाद जाकर हीरो बन सकता हूँ यार। अरे भाई 50,000, अब हम इतनी जल्दी 50,000 लाएंगे कहाँ से? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं दीदी। अगर मन दुखी हो तो आंखों में नींद नहीं आती, आओ ये लो, ये गहने रख लो। दीदी, माँ ने मुझे दिए थे, अगर ये तुम्हारे काम आ गए तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे संतोष। इस तरह से क्या देख रहे हो? मुझे पूरा यकीन है कि हमारा कार्तिक हीरो बनेगा। दीदी, तू जब बड़ा हीरो बन जाएगा तो मुझे बहुत सारे गहने खरीद कर दे देना। अगर और एक जन्म मिला तो तुम्हारा बेटा बनना चाहूंगा मैं। हे, जाके मंदिर में ढूंढो। राम 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 भजले राम राम राम। अरे इस लड़की को देखा है? देखा हूँ। कहाँ? बोल कहाँ देखा? अभी कुछ देर पहले, यह लड़की हमारे गांव के एक लड़के के साथ मंदिर आई थी। वो दोनों कहाँ है? बहन जी आप बिल्कुल मत डरिए। बहन जी हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। क्या बात करनी है? ये सारे खेत कार्तिक के हैं। हाँ। कार्तिक आपका कौन है? मेरा भाई है। आप लोग कौन हो? हम कार्तिक के फ्रेंड्स हैं बहन जी, कोयम्बतूर से आए हैं। वो कोयम्बतूर आता है तो हमसे मिलने जरूर आता है, और हम खेत खरीदना चाहते हैं। उसने कहा था हमारे गांव आएंगे तो अच्छा खेत दिखाऊंगा, इसीलिए आए हैं। हम लोग घर पे भी गए थे, पता चला कि खेत गया है। कार्तिक वहाँ नहीं है। कहाँ गया वो? चेन्नई जाने के लिए निकल गया है, 5 बजे की ट्रेन है। अब जाए तो देख सकते हैं ना? देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, चल रहे। थैंक यू। कार्तिक के फ्रेंड्स हैं, लेकिन पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। ले लीजिए, ये सब पैसे आपको काम आएंगे। ले ले। भैया आप जब हैदराबाद से वापस आएंगे ना तो मैं जिस तरह हीरो को सलाम करता हूँ ना उस तरह आपको भी करूंगा। जरूर बनूंगा छोटू, ये हुई ना बात, रास्ते में काट दूंगा। ठीक है छोटू, मैं जरूर बड़ा हीरो बन के दिखाऊंगा। ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, खुश रहो। देख ट्रेन छूटने वाली है, अब तू निकल। ठीक है मैं निकलता हूँ। बाय भैया, बाय। चलता हूँ मैं, बीच बीच में फोन करता रहूंगा। चलो बाय बाय। क्या कार्तिक, तुम अभी तक घर वापस नहीं आए, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ कार्तिक? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जीवन में हार गया हूँ। ए, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे साथ मैं नहीं हूं क्या? क्या हुआ कार्तिक? क्या कार्तिक, इतनी छोटी सी बात पर इतना दुखी होने से कैसे चलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो कार्तिक? आज के बड़े बड़े स्टार्स ने भी शुरुआत में बहुत तकलीफें उठाई हैं, हर तरह की बेइज्जती सही है उन्होंने। देखो कार्तिक, शर्म महसूस करने वाले, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाले जिंदगी में कुछ नहीं पा सकते। अगर तुम्हारा मकसद जिंदगी में सच में हीरो बनना है तो
तो तुम्हें भी उतनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। तो मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। भगवान के मंदिर में रखा एक पत्थर एक दिन भगवान से पूछने लगा, तुम भी पत्थर के बने हो और मैं भी पत्थर हूँ, फिर हर कोई मुझे अपने पैरों तले कुचल कर तुम्हारी पूजा करता है, ऐसा क्यों? तब उस मूर्ति ने कहा, पागल, हथौड़े से मुझ में भी बहुत सारे छेद करने के बाद मेरा ये रूप बनाकर लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। तुम ही सोचो कार्तिक, उस भगवान को भी इतने कष्ट उठाने के बाद इज्जत और अपनापन मिला, तो फिर हम इंसान क्या चीज है? कार्तिक, जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हुई है वहीं तुम्हें इज्जत और शोहरत कमाना है, आज नहीं तो कल। तुमने जो सपना देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा। थैंक्स चित्रा। चलो कार्तिक। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, आपके दोस्त के कॉम्बिनेशन स्टिल्स के लिए आपको कोऑपरेट करना चाहिए ना? मुझे? मैडम प्लीज। मैडम ट्रिक्स कुछ नहीं, सब क्रिएटिविटी है। नजदीक आओ और नजदीक आओ सर। अरे जल्दी से कमर पे हाथ ला। चलो उधर जाके बैठ, सीनियर को रेस्पेक्ट देना नहीं जानता क्या? सिनेमा में चांस के लिए आए हो ना? देखो ब्रदर, 10 10 10 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। ऑफिस का चक्कर लगवाते हैं लेकिन लोग चांस नहीं देते हैं। ऑफिस का चक्कर लगाते रहो लेकिन चांस नहीं मिलेगा, तुम इनके बारे में नहीं जानते। क्या कहा? क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये प्रोड्यूसर साहब एक जैसे हैं। ऑफिस का चक्कर लगाते रहो लेकिन चांस नहीं मिलेगा। ए, कौन है रे तू, क्यों शोर मचा रहा है? चलो निकलो यहाँ से। ए, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। नमस्ते सर। नमस्ते, पहले डायलॉग बोलो। मैं कितना पागल हूँ मुझे मालूम नहीं, मैं कितना पागल हूँ मुझे मालूम नहीं, मैं कितना पागल हूँ मुझे। ऐसे नहीं, पौराणिक स्टाइल में डायलॉग बोलो। पौराणिक स्टाइल में करके बताऊं? अभी बताता हूँ। मैं कितना पागल हूँ मुझे मालूम नहीं, मैं कितना पागल हूँ मुझे मालूम नहीं। हे चल दूसरा आओ। अरे शर्मा क्यों रहे हो? हाथ निकाल। अबे काना हाथ निकाल। परवाह नहीं सर, ऐसे ही करूंगा। अबे फेस दिखाना यार। नहीं सर, ऐसे ही करूंगा। निकालना हाथ। तू है ये, इससे बाहर निकालो। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। बाहर निकालोगे मुझे? बाहर भेजोगे? कितने साल से हूँ यहाँ पे? 2 3 4 कितने साल से? 6 साल। 6? मैं 20 साल से हूँ सर। मैं 20 साल से हूँ सर। मैं बचपन से अब तक हीरो बनने की तैयारी कर रहा हूँ सर। सिनेमा के अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है सर। मैं और कुछ नहीं कर सकता सर। सभी लोगों ने मुझे गाली दी, यहाँ आते समय मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा ऐसा कहा। सारा गांव मुझे आने से रोक रहा था लेकिन मैंने कहा कि मैं हीरो बनकर ही रहूंगा सर। लेकिन मेरी दीदी वो मुझे बस कुछ नहीं बोली सर। मेरी माँ नहीं है सर, लेकिन उनका आशीर्वाद बस यही मैं अपने साथ लेकर आया हूँ सर। सर मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे बाहर निकालोगे तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए सर। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ना सर? अच्छा किया ना सर? सर अच्छा किया ना? अरे इतनी देर से तुम एक्टिंग कर रहे थे? हाँ सर। साफ। हाँ ये ओके ना। हाँ नो क्यों? ये नो है तो तुम भी नो। वो मतलब नहीं है, ओके बोलने का काम मेरा है ना, तो अब बोल रहा हूँ मैं, तुम मेरे लिए ओके हो। चेक लेकर जाओ। ओके हूँ। ओके ये हेलो। इंटरवल में चैलेंज ही नहीं, क्लाइमैक्स में भी जीत कर दिखाऊंगा। क्या बात है बोल। मैडम लड़के का पता चल गया, वो इधर ही है। गुड, वो जहां भी जाते उसका फॉलो करो। ओके मैम।
उस पर कड़ी नजर रखना, किसी भी हालत में मुझे वो चाहिए। तलीम, आइटम भेजने को बोला था, क्या हुआ? मास्टर, अर्जेंट कॉल है। रुको भाई साहब, सीरियस हो रहा है। मास्टर प्लीज यार, अर्जेंट। अरे रुको ना यार, हाँ कल सुबह तक भेज देना, ठीक है ना? प्लीज यार, अरे लो ना यार। थैंक्स। मैं AK-47 भेज रहा हूँ। हेलो दीदी, मैं बोल रहा हूँ, कार्तिक। कैसे हो तुम कार्तिक? दीदी आपके लिए शुभ समाचार है, मुझे हीरो का चांस मिल गया। सच कह रहे हो? हाँ दीदी। पिताजी, मामा जी, मेरा भाई हीरो बन गया है। पिताजी, कार्तिक हीरो बन गया है, बात कीजिए ना। दीदी, पिताजी शायद नाराज हैं, क्योंकि मैं उन्हें बताए बगैर वहाँ से चला गया ना, लेकिन मैं हीरो बनकर आऊंगा। और जब भी मैं उस गांव में आऊंगा तो उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांग लूंगा। दीदी कार्तिक। पिताजी आप? अरे बेटा, तुझ पर तेरा बाप अपना अधिकार समझकर ही तुझे डांटा करता था, तुम्हारे मन में क्या है जान नहीं पाया मैं। अरे मुझे माफ कर दे बेटा। पिताजी आप ऐसी बातें मत कीजिए। तू बहुत बड़ा हीरो बनेगा रे, तुझे अपने कंधों पर उठाकर मैं सारा गांव घूमूंगा बेटा। आपने इतना कह दिया, बहुत हो गया। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा। दामाद जी, मामा छुटा कर ला अपने हीरो का कटआउट बेवकूफ। कार्तिक क्या हुआ? मैं हीरो के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। Really? Yay! Yahoo! Yay! Hey, कार्तिक! नीचे उतरो। Yeah! Congrats! चलो। Hey! Mitra! Hey! चित्रा, चिल्ला मत, चल। ए, कहां ले जा रहे हो लड़की को? तूने इसके साथ बहुत खेला, बॉस इसके साथ अब होली खेलेंगे, चल बाजू। ए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ और तू होली खेलने की बात कर रहा है। हट। Thank you.
बचपन में ही मेरी मम्मी और पापा एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए, लेकिन मेरा सारा बचपन मैंने बहुत खुशी खुशी बिताया और उसका कारण मेरी मौसी है। मेरी माँ नहीं थी, लेकिन मेरी मौसी ने मुझे बहुत प्यार से पाला। मौसी और मैं बहुत खुश थे और मैं उन्हें माँ कहकर बुलाती थी। अरे सत्या, तुम इतनी जल्दी आ गए? एयरपोर्ट से डायरेक्ट इधर ही आया। अच्छा नित्या। हाँ मामा। मैंने कहा था ना कि मेरा भाई फॉरेन में है। हुँ? वो ये है। हाय। हाय। मैंने जब उसे पहली बार देखा बहुत ही बदतमीज लड़का था और माँ उससे मेरी शादी करना चाहती। तुम कहाँ से आए हो? मलेशिया से। ए। जेल से आया हूँ। तू जैसे खोटे सिक्के को मैंने लाखों खर्च करके जेल से छुड़ाया, तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? किस लिए दीदी? इस लड़की से तुम्हारी शादी कराने ली। सच में? दीदी तुम्हारा प्लान सुपर है दीदी। तो सुन, ए, इसके बाप ने विल में एक पॉइंट लिखा है, उसकी शादी होने के बाद उसके दूल्हे को सारी जायदाद मिल जाएगी, ऐसा लिखा है उसमें। उसकी शादी के बाद वो सारी जायदाद लेकर यहाँ से चली गई, तो क्या मैं यहाँ बैठकर भुट्टे सेकती रहूंगी? और अगर उसकी शादी मैं तुमसे कराऊं? मतलब माँ, नहीं ये झूठ है। सच है। इस बिल्ली ने सच कहा। माँ, जब मैं बहुत छोटी थी और खाना खाने से मना करती थी तो आप समझा समझा कर मुझे खिलाती थी, सखी माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हुँ? इस घर में जो सारे लोग हैं मेरे ही आदमी है, पुलिस पॉलिटिशियन कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मेरी पहुंच कहां तक है तुम्हें पता है ना? जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। तू नीचे चल। मालकिन, तेरा काम निपटा के। हे चित्रा, तुम आ गई। इस शादी के ड्रेस में मैं कैसे लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? शादी का दिन आ गया है ना? आह मेरी शादी है, ओह मेरी शादी है। माँ का सारा प्यार एक नाटक था, ये मालूम होने पर मैं उस घर में रुकी नहीं और वहाँ से भागकर चली आई। ए, रुक रुक, कहाँ जा रही है? परेशानी में घिरी लड़की की मदद के लिए बहुत से हाथ आगे आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से हाथ जुर्म करने वाले मर्दों के ही होते हैं। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं इस गांव में रिसर्च करने के लिए आई हूँ। रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह मेरी शूटिंग है, मैं जाकर सो जाता हूँ। गुड नाइट। मैं अगर किसी को पसंद नहीं करती हूँ तो उनकी कुर्सी पे नहीं बैठती हूँ। ए मारुदा। आया जी मैडम। इज्जत ना देने वालों से मैं बात नहीं करती,
नौकर के द्वारा बात करती हूँ, ये बता दे इसे। वो लड़की कौन है, उसके पीछे कौन कौन है? ये जाने बिना एक जवान लड़की को अपने घर में पनाह देने वालों को मैं भला कैसे इज्जत दे सकती हूँ? ए, अंदर जाकर देखो और उसे घसीट कर मेरे सामने लाओ, जाओ। ए, यहाँ से अगर कोई हिला तो अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने आवाज दी ना तो यहाँ के कॉम्प्लेक्स के सब लोग तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तुम सिर्फ कॉम्प्लेक्स वालों को जानती हो, मेरी पहुँच कमिश्नर तक है, देखना है। हेलो कमिश्नर सर, मैं गोल्डन फैक्ट्री से जयालक्ष्मी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम, एनी प्रॉब्लम? हाँ सर, यहाँ पे एक औरत ने मेरी बेटी को जबरदस्ती बंद करके रखा है। दो कांस्टेबल को भेजो, उनके दो दंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप बोलने लगेगी। मैडम जरा उस औरत को फोन दो। वन मिनट, तेरा यमराज, बात करो। हाँ बोलो ना भैया, कैसे हो? बहन तुम? हाँ भाई मैं बोल रही हूँ। तुम तो ये गुंडों को इनकाउंटर में खत्म करने वाले हो ना? और मेरे यहाँ भी दो तीन गुंडे घुस आए हैं। ऐसा क्या? चार पांच पुलिस वाले यहाँ पर भेज दो पूरी तैयारी के साथ। वो भाग गए। ये लो तुम्हारे यमराज की दीदी हूँ। कार्तिक मैं रेडी हूँ। तुम रेडी हो? कहाँ जाने के लिए? क्या कार्तिक, तुम फर्स्ट टाइम एक्टिंग करने जा रहे हो, मुझे शूटिंग देखनी है। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों कार्तिक? तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, शूटिंग देखने के लिए भी घर से नहीं निकलोगी, मुझे समझने की कोशिश करो। मुबारक। मैं कुछ भी करता हूँ, कभी भी करता हूँ तो डिफरेंट सोचता हूँ। क्या सर, इतना डिफरेंट है? लव हो या जंग हो। वाह, आहा, सुपर टाइटल सर। टाइटल नहीं है भाई, सिनेमा है। वन टू थ्री फोर फाइव। ओके ना सर? ओके सर। मास्टर ने 10 डांसर्स के लिए कहा था, एक डांसर कम पड़ रहा है, मास्टर क्या बोलेगा पता नहीं। कोई बात नहीं रे, जो लड़कियां शूटिंग देखने आई थी उसी में से एक को डांसर बना दिया। सर मुहूर्त में आप 5 मिनट ही बचे हैं। अरे एक मिनट अभी रुको, मैडम अभी नहीं आई है। मैडम आकर के स्विच ऑन करेगी तभी शूटिंग शुरू होगी। सर कौन है वो मैडम? अरे वो मैडम हमारे लिए लक्ष्मी देवी जैसी है। उस मैडम ने हमारी फिल्म का आंध्रा सीडी निजाम वगैरह के सारे राइट्स ले लिए। इतना ही नहीं, वो मैडम हमारी फिल्म में फाइनेंस भी कर रही है। नमस्ते मैडम, आइए अपने शुभ हाथों से कैमरा ऑन कीजिए, हम शूटिंग शुरू करते हैं। मैं ये कैमरा ऑन करने को बोलूं तो मेरी कंडीशन याद है ना? हाँ याद है मैडम। कार्तिक यहाँ आओ। सर कार्तिक मैंने कहा था ना, मैडम यही हमारी फिल्म का हीरो, मैंने जो तुमको बताया था ना वही है ये मैडम जी। नमस्ते मैडम। मैडम जी तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती है। मैडम जी हाँ, तुम्हारी ये हाइट, ये कलर, ये फिजिक, एक हीरो में जो कुछ चाहिए वो सब अवेलेबल है। थैंक्स मैडम। लेकिन तुम्हारा सपना पूरा होने में एक छोटी सी अड़चन। अड़चन? कैसी अड़चन? हे बता रे। अरे सुन, टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट मुद्दे पर आ रहा हूँ। तुम्हारे पास एक लड़की है, चित्रा, वो लड़की हमें चाहिए। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो उस लड़की को हमारे हवाले करना पड़ेगा। अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे,
और तुम हीरो बन जाओगे। ए प्रोड्यूसर बताई से, बेचारा बच्चा क्या क्या सोच रहा है, उसे सही सलाह दे, इस बात पर उसकी लाइफ ही नहीं तुम्हारे सिनेमा का भविष्य भी टिका है। अभी क्या सोच रहे हो बेटा, लड़की मैडम के हवाले कर दो। अरे मान लो यार, नहीं तो फिल्म से बाहर हो जाओगे। मैडम वो मान जाएगा, आप बात कर लीजिए। आइए सर। अच्छी तरह से सोच लो, एक बड़ा हीरो बनकर गांव लौटना है या फिर सिर्फ एक लड़की के साथ वापस गांव लौटना है, सोच लो। अगर वो पुलिस कंप्लेन करता तो पुलिस वाले इसकी खाल उतार लेते। अगर तुम्हारा मकसद जिंदगी में सच में हीरो बनना है तो तुम्हें भी उतनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। सिनेमा का भूत अभी नहीं उतरा है क्या? आज नहीं तो कल। तुमने जो सपना देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा। थैंक्स चित्रा। चलो कार्तिक। क्या हुआ, इतना क्यों सोच रहे हो? तेरे एक मार में दो टुकड़े करूं या मार मार के तेरा कीमा बनाऊं? औरत की जायदाद को नाक बनकर डसने वाले लफंगे, तुझसे क्या बात करनी है? तू भी सुन, चित्रा को किसी भी हालत में मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? चित्रा मेरा प्यार है। चित्रा को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। चित्रा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और खून की नदियां भी बहा सकता हूँ। हमें ना कहने का अंजाम जानते हो तुम? क्या कर लेगी हा? क्या कर लेगी तो? पैसों के लिए अपनी बेटी जैसी लड़की की बलि शैतान के हाथों दे रही थी। छी, नीच औरत है तू। तेरी जैसी औरत से मैं डरूं? हाँ। अगर मेरे प्यार पर तेरी परछाई भी पड़ी तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। चलकर हमारे पास आई है। ले लीजिए, ये सब पैसे आपको काम आएंगे। तो मैं जिस तरह हीरो को सलाम करता हूँ ना, उस तरह आपको भी करूंगा। जरूर बनूंगा छोटू। तुझे अपने कंधों पर उठाकर मैं सारा गांव घूमूंगा बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा कार्तिक हीरो बनेगा। चित्रा, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। चित्रा, सुबह बहुत अच्छी शूटिंग हुई। असल में कोई कैरेक्टर अपनी जगह से नहीं हिला। मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, यूनिट का हर मेंबर मेरी एक्टिंग देखकर तालियां बजाने लग गया था। अरे शह, सीन क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने सुना नहीं था ना? सीन क्या है कि हीरो जाकर हीरोइन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हीरोइन हो, ओके ना? मैं हीरो हूँ। मैं तुम्हारे पास अगर तुमसे कहूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओके? हाँ ठीक है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने दिन हम दोनों साथ रहे, फिर भी मैं तुम्हें बता नहीं पाया। अगर आज मैं नहीं कहा तो जीवन में फिर कभी नहीं कह पाऊंगा, इसलिए आज मेरा कहना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू चित्रा। कार्तिक, सॉरी, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट हो गया। डायरेक्टर साहब ने कट कहा तो सारे लोग जोर जोर से क्लैप्स बजाने लग गए। सभी लोग मेरे पास आकर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट है कहने लग गए। सब लोग मेरे फैंस बन गए हैं। तुम जानती हो चित्रा, मेरी 20 साल की आशा पूरी हुई। मेरी माँ की आशा पूरी हुई चित्रा, मेरी बहन की ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने जो चाहा मिल गया, मुझे जो चाहा मिल गया। कार्तिक, वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? Oh, my God.
हेलो हेलो हेलो, कौन है? दीदी। अरे कार्तिक, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? क्या बात है? आंखों से देखा हुआ हर सपना सच नहीं होता, ये बात मुझे अब समझ में आई है दीदी। आप समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन रहा हूँ ना, लेकिन असल में दीदी मुझे जो चांस मिल रहा है वो फिसल रहा है। अरे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी जब मैं असल में हीरो बन रहा था तब आप पिताजी सभी कितनी खुशी महसूस कर रहे थे मुझे पता है, लेकिन अब मैं किसे भी काम का नहीं हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं गांव आकर अपनी सूरत कैसे दिखाऊं दीदी? अब मेरी जो हालत है मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं हार गया हूँ दीदी। कार्तिक चित्रा, अब मुझे खुशी बर्दाश्त। मुझे सब मालूम है कार्तिक, मैं शूटिंग देखने आई थी। कार्तिक कार्तिक, तुम्हें माँ पसंद है या सिनेमा पसंद है? माँ को सिनेमा पसंद है। कार्तिक तुम दीदी को चाहते हो या सिनेमा को चाहते हो? मेरी दीदी को भी सिनेमा पसंद है। तुम्हें मैं पसंद हूं या सिनेमा पसंद है? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चित्रा हम कल सुबह होते ही गांव चले जाएंगे। चित्रा चल रही हो ना? तुम सिनेमा छोड़ रहे हो मेरे लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए। चित्रा इतने दिनों से जो प्यार नहीं था वो अचानक मेरी जागीर और दौलत देखते ही कैसे हो गया कार्तिक? ये सब तुम क्या कह रही हो? 20 साल के अपने हसीन सपने को दौलत के लिए छोड़कर आए हो ना, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? कार्तिक तुम मुझे अपने गाँव में किसी के बंगले में रखकर ना जाने कितने झूठ बोलकर मेरे पास से पैसे वसूल करते रहे। 1,00,000 रुपए के लिए बड़े बड़े नाटक करने वाले तुम करोड़ों की मेरी जागीर के लिए त्याग का ये नाटक तो आसानी से कर सकते हो तुम। कुछ ही दिन हम साथ रहे और तुम्हें मेरी दौलत पर इतना लालच आ गया, फिर 20 साल से मुझे पाल पोस कर बड़ी करने वाली माँ अगर लालच कर रही है तो उसमें गलत क्या है? इसीलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मेरी माँ अगर चाहती है तो मैं सत्या से ही शादी करूंगी। ठीक है चलो। कहाँ? मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ, चलो। मैं आती हूँ कार्तिक। रोई रे दिल मेरा, छूट रहा प्यार मेरा, तेरे बिना कैसे जीगा दिल नादा, बीते पल भूलू ना साथ जो गुजरे तेरे, वो लम्हे प्यार भरे बुझा तेरी।
सच्ची मुश्किल है अब तुझसे दूर रहना। आज अगर नित्या वापस आ जाए तो उसकी सारी जायदाद मैं अपने नाम करवा लूंगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा आप चाहेंगी तो आपके भाई से शादी करेगी, फिर क्यों अपने नाम पे करना है? नित्या मेरे भाई से नफरत करती है, फिर भी मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उस लड़के को हीरो बनाने के लिए। अगर वो लड़का हीरो बन गया तो मेरे भाई को छोड़ के ये नित्या उसके पास नहीं जाएगी, क्या गारंटी है? अब आप क्या करेंगी? जिस फिल्म में वो लड़का हीरो बना मैं उसे फाइनेंस नहीं करूंगी, वो इस जन्म में तो हीरो नहीं बन पाएगा। आपकी हर बात नित्या सुन रही है मैडम? हाँ? कुछ करिए। कार्तिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कार्तिक, मुझे पता था मेरा प्यार तुम्हें खींच लाएगा। I love you चित्र। I love you कार्तिक। खत्म कर दे इसे। ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहती थी। कार्तिक, जिस तरह तुम्हारी दीदी ने तुम्हें अपने बच्चे की तरह संभाला है ना, वैसे ही इन्होंने भी मुझे बड़ा किया है। मुझे अपने हाथों से निवाले खिलाए हैं। उसी माँ को मैं अपनी आंखों के सामने ही नहीं। कार्तिक चित्रा, मानती हूँ उन्होंने गलत किया, लेकिन उसका बदला हम उनसे कैसे ले सकते हैं? नहीं कार्तिक, सुन रही हो ना, तुमने इसे कितनी हानि पहुंचाई, लेकिन ये अब भी तुम्हारा अच्छा ही सोच रही है। इसे प्यार कहते हैं। तुम्हें चित्रा नहीं, उसकी जागीर चाहिए, और चित्रा को माँ का प्यार चाहिए। मुझे सिर्फ चित्रा चाहिए, सिर्फ चित्रा ही चाहिए मुझे। ये सारी जागीर अपने सर पर लेकर घूमो। सुनो बेटी, मुझे माफ कर दो ना बेटी। ऐसा मत कहिए माँ। मेरे स्वार्थ से ज्यादा तुमसे प्यार मोहब्बत से रहने में ही संतोष है, ये मुझे अभी समझ में आया बेटा। माँ, वन बाय वन टेक वन क्लैप एक्शन। आज मुझे ये समझ में आ गया कि अपनी किस्मत बनाना सिर्फ अपने ही हाथों में होता है। शॉट ओके।